रेस्टोरेंट जाना या ढाबे में बाहर जाकर खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा हाइजीनिक प्रॉब्लम रहता है आजकल और थोड़ा बहुत मिलावट का, बाकी तो कोई डर नहीं है। लेकिन हम रेस्टोरेंट या ढाबे में जाएं क्यों, क्यों ना घर में ही बनाएं बिल्कुल बाजार जैसा, यानी रेस्टोरेंट जैसा, पनीर, काली मिर्च और साथ में आटे के लच्छा नान, इतने नरम, मुलायम और इतनी सारी परतों वाले ना कि आप देखकर हैरानी रह जाएंगे, और बनाना कितना आसान। ये देखिए कितनी सारी लेयर्स वाला ये आटे से बनाया है, मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना और अंदर तक बिल्कुल पका हुआ है। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि अंदर से कच्चा होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, अच्छे से पका हुआ और बहुत ही टेस्टी पराठा बनाए। तो चलिए बढ़िया सी रेसिपी शुरू करते हैं, जिससे कि आपके घर वाले ढाबे रेस्टोरेंट जाना ही भूल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए थोड़े से केसर के धागे भी जो भिगो दिए हैं दूध के अंदर, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है, पूरी तरह ऑप्शनल है। अब 300 ग्राम पनीर लिया है, पनीर बाजार का है और एकदम ताज़ा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पनीर का बीच वाला टुकड़ा लें, क्योंकि मैं तो इस तरह के लंबे लंबे ट्राइंगल्स निकाल रही हूँ। आपकी मर्जी है, पनीर के पीसेज आप कैसे भी निकाल सकते हैं मुझे, लेकिन अलग अलग पनीर की जो शेप होती है ना उनसे खाना बनाना भी अच्छा लगता है और खाना भी। बिल्कुल मैं सर्व करने के टाइम पर सोचती हूँ कि ढाबे या रेस्टोरेंट जैसे सर्व किया जाए, तभी तो वो टेस्ट भी आएगा। आप सबको भी अगर रेसिपी पसंद आती हो ना तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको इस तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज जो कि घर के ही सामान से बन जाएंगी आराम से मिलती रहेंगी। अब पनीर को थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे। इसके लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला पाउडर और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची को बस मिक्सी में 3 इलायची को पीस लीजिए और वो पाउडर डाल दीजिए। एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि पनीर काली मिर्च बना रहे हैं तो लाल मिर्च तो डालेंगे ही नहीं, सिर्फ काली मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। पर आप चिंता ना करें, बच्चे भी खा लेंगे आराम से, क्योंकि इसके टेस्ट को इस तरह से बैलेंस करेंगे ना कि उनको काली मिर्च ज़्यादा है ये पता ही नहीं लगेगा। अब 2 चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम ली है और 2 चम्मच जी हंकड़ ली है। 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से इस रेसिपी को बेफिक्र होकर घर में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आकर कमेंट कीजिए या कमेंट पहले ही कर दीजिए, पर ये रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। अब पनीर बहुत नरम और मुलायम होता है, तो बिल्कुल हल्के हाथ से सारे मसाले, दही वगैरह को मिलाएंगे और ढककर फ्रिज के अंदर रख, हो सके तो रख दें। कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच ऑयल, 1 तेजपत्ता और थोड़े खड़े मसाले, 2 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्रफूल डाल दिया और 15-20 डाल दिए मैंने काली मिर्च, क्योंकि पनीर काली मिर्च बना रहे हैं तो 3 बार काली मिर्च डालनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। बस अब इसके अंदर हम थोड़े से काजू, 10-12 या आप साबुत काजू डालिए, मैंने तो टुकड़ा काजू डाला है क्योंकि ग्रेवी बनानी है तो टुकड़ा काजू भी चलेगा। 2 हरी मिर्च डाल दी, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल देंगे और 2 बड़े साइज़ के प्याज थे उनको मैंने चॉप कर लिया रफली, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट आता है और इसका टेक्स्चर भी बिल्कुल क्रीमी डिफरेंट आता है और ग्रेवी सुपर सॉफ्ट वाइट बनती है, मतलब मक्खन सी ग्रेवी जिसमें हमने बहुत कम मक्खन डाला है। मक्खन तो वैसे मैंने डाला ही नहीं है। अब सारे मसालों को भून लेंगे, क्योंकि अगर कच्चे प्याज से बनाएंगे ना तो कच्चापन आएगा ही आएगा। तो मैं तो पनीर की कोई भी सब्जी बनाऊं तो पहले प्याज को हल्का सा ज़रूर फ्राई करती हूं, ताकि पनीर में कच्चापन का टेस्ट ना आए। अब इसके अंदर थोड़ी कसूरी मेथी और 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/2 कप पानी डालकर 10 मिनट तक इसे 10 मिनट नहीं 4 या 5 मिनट तक बिल्कुल ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर, ताकि प्याज गल जाए और सारे मसाले आराम से नरम पड़ जाएं और कोई भी मसाला हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 4-5 मिनट के बाद ही प्याज जो है वो सॉफ्ट पड़ गया। बस अब इसे बंद करके रख देंगे, ठंडा होने पर इसे पीस लेंगे। इतनी देर क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल आज खाना बना रही हूँ ना, तो खिलाऊंगी भी रेस्टोरेंट जैसे ही। इसके लिए मैंने थोड़े से प्याज लिए, उनको बीच में से छीला और उसके बाद बीच में से चीरा लगा के, थोड़े से इसमें चकुंदर के टुकड़े, 3-4 हरी मिर्चें बीच में से चीरा लगा के डाल दी। 1/2 कप के लगभग हम इसके अंदर सिरका डाल देंगे और 1/2 कप ही पानी डाल देंगे। अगर आप खाली सिरका डालते हैं तो सिरके का वेस्टेज ज़्यादा होगा और वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सिरके और पानी को मिलाकर डालिए। जितनी देर हम
खाना बनाएंगे उतनी देर ये अच्छा सा जो हमारा रेस्टोरेंट का फेवरेट गुलाबी वाला प्याज होता है ना वो अपने आप ही बनके तैयार हो जाएगा। इसमें हमें और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ में बना लेते हैं लच्छा पराठे के लिए आटा। 2 कप आटा लिया है, 1/2 चम्मच नमक और कुछ भी मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी। बस नमक को आटे में मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। पूरी पराठा रोटी इन सब में सबसे सॉफ्ट आटा पराठे का होता है, सेकेंड नंबर पे रोटी का होता है और थोड़ा सा हार्ड जो होता है वो पूरी का होता है, तभी ये चीज़ें अच्छी बनती हैं। ये देखिए बस इतना सॉफ्ट होना चाहिए। 1/2 चम्मच देसी घी डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। सर्दियाँ है ना, थोड़ा घी जल्दी जम रहा है, मैंने वैसे पिघला के रखा था उसके बावजूद घी जम गया, पर कोई बात नहीं, पराठे पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम इसे पटकियाँ दे के अभी गूंदेंगे ना तो ये अपने आप ही तैयार हो जाएगा। बस अब आटे को भी ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये देखिए तड़का हमारा ठंडा हो गया है, तो इसमें से चक्रफूल निकाल दीजिए, दालचीनी निकाल दीजिए और तेजपत्ता, क्योंकि अगर आप ये पीसेंगे ना तो ग्रेवी ना तो सॉफ्ट बनेगी और ना ही टेस्टी, बहुत अजीब सा गंदा टेस्ट आएगा। तो आप कभी भी तेजपत्ते को और दालचीनी को ज़्यादा उसके, दालचीनी तो फिर भी पीसी जा सकती है पर तेजपत्ते को कभी भी मत पीसिए। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। अब सारे तड़के को मिक्सी में डाला, 2 चम्मच मैंने हंकर्ड और डाला है क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, तो बेस बनाने के लिए और टेस्ट हल्का सा टेस्टी खट्टा सा टेस्ट देने के लिए दही डालना है रूम टेम्परेचर पर और ताज़ा दही इस्तेमाल करें। अब दही जब काजू और मलाई और 2 चम्मच ही मैंने ताजी मलाई डाली है के साथ पिस जाएगा ना तो उसमें फटने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। ये देखिए अब इस ग्रेवी को अच्छे से छान लीजिए और इसके देखिए थोड़ा बहुत काली मिर्च, छोटी इलायची, याद रख के धागे धागे वागे बचे हैं, बाकी सब कुछ आराम से अंदर छन गया है। इसी तरह मिक्सी में जो थोड़ा बहुत पेस्ट लगा रह गया था ना उसे भी मैंने छान लिया। अब आप सुपर ग्रेवी देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट एकदम क्रीमी वाइट ग्रेवी बनी है, जबकि ज़्यादा ग्रेवी का इस्तेमाल किया ही नहीं। अब जो खड़े मसाले थे उनको हमें वापस डालना है, तो मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी गर्म किया और उसके अंदर सारे खड़े मसाले वापस से डाल दिए, वही वाले, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि अच्छा सा फ्लेवर दे दें। और जो हमने प्यूरी बना के रखी थी वो डाल देंगे। अब बस इसको अच्छे से चलाएंगे और 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। मिक्सी में जो थोड़ा बहुत लगा हुआ रह गया था वो भी मैंने 1/2 कप पानी डाल के अच्छे से चला लिया और छान के इसके अंदर डाल दिया है। बस छानना ज़रूरी है वरना आपकी ग्रेवी सुपर सॉफ्ट नहीं बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर रख देंगे और 2-3 मिनट तक इसे पकने देंगे। इतनी देर ग्रेवी पक रही है इतनी देर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर 1 चम्मच छोटे वाला काली मिर्च ली है, ये 15 से 20 काली मिर्च है, इसे भी हमें डालना है, तभी तो हमारा पनीर काली मिर्च तैयार होगा। पर आप बेफिक्र रहें, ये काली मिर्च आपके हल्का सा गले में एक एहसास देंगी कि आप पनीर काली मिर्च खा रहे हैं, लेकिन ये तीखी बिल्कुल नहीं लगेंगी। अच्छे से भूनने के बाद उन्हें दरदरा पीस लेंगे और उसी फ्राइंग पैन में 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच देसी घी लेकर जो पनीर के टुकड़े हमने मैरिनेट होने के लिए रखे थे ना उनको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, ताकि हमारे पनीर में भी बिल्कुल कच्चा टेस्ट ना आए। इस तरह से ये देखिए मैंने सारे पनीर को सिर्फ पीस को डाल के अलट पलट करके हाई फ्लेम पर मैरिनेट किया है। लो फ्लेम पर मत कीजिएगा वरना पनीर चिड़ी हो जाएगा। और बिल्कुल अगर पनीर साथ साथ ही फ्राई करना है, इतनी देर तड़के को मैंने थोड़ी देर दूसरी गैस पे रख दिया है लो फ्लेम पर, और अब हमारा पनीर 2-3 मिनट के अंदर ये देखिए कितना अच्छा ऊपर से हल्का सा ब्राउनिश कलर का आ गया है और बहुत बढ़िया पनीर मैरिनेट होकर तैयार हो गया। अब इतनी देर तड़के को देख लेते हैं, वो भी ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया, क्योंकि बहुत कम घी और तेल का इस्तेमाल हुआ है तो इसमें आपको ज़्यादा घी तेल नज़र आएगा भी नहीं। बस अब इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे चुटकी भर बैलेंस करने के लिए, अगर आप नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये चीनी थोड़ा सा टेस्ट बढ़ा देगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो काली मिर्चें हमने भून कर रखी थी वो सारी हम उसके अंदर डाल देंगे। देखिए दरदरी पीसी हुई काली मिर्चें, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर काली मिर्च बन के तैयार हुआ था और मेरे घर की अब ये फेवरेट रेसिपी है। हम तो इसे इस तरह पनीर की कोई ना कोई रेसिपी ट्राई करते ही रहते हैं और पनीर में तो अब मेरे को परफेक्शन काफ़ी हद तक मिल गया है। बहुत बढ़िया और परफेक्ट रेसिपी बनती है, बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आता है। और आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना तो आपको भी बहुत लाजवाब टेस्ट आएगा। नमक भी सब एकदम परफेक्ट और बैलेंस्ड है।
नमक मैंने डाल दिया था इसलिए और नमक नहीं डालेंगे, बस 1 मिनट तक पकाएंगे। बढ़िया पनीर काली मिर्च हमारा बनकर तैयार है। अब हमें इसके अंदर कुछ नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर धरहर धना धनिया भी नहीं डाला जाता और कोई भी चीज़ नहीं। बस अब इसे सर्व करने की तरफ जाते हैं। अगर आपको एक साथ सर्व करना है तो इस तरह से एक बड़े से टोंगे के अंदर डालिए, साथ में पराठा रोटी कुछ भी डाल दीजिए, और जो केसर भिगो के रखा था ना बस उससे थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, और ताकि ये बहुत सुंदर लगे, क्योंकि मुझे जो रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना सर्व करने में बड़ा ही मज़ा आता है। अभी मैं उतनी परफेक्ट नहीं हुई हूँ पर मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और मैं ये बहुत अच्छे से सीख लूँगी। ये देखिए अब इसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा केसर वाला कलर डाला है, पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं, पर इससे सिर्फ हमारा पनीर काली मिर्च जो है वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए लग रही है ना सुंदर रेसिपी, तो चलिए इसी बात पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और साथ में शेयर और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इतनी देर आटा जो है उसने रेस्ट कर लिया, इसे 1 मिनट तक और गून लेंगे और इतने में से इसकी बड़ी बड़ी लोइयां बना लेंगे। टोटल जितना मैंने आटा लिया था उसमें से मेरे 8 जो है लच्छा पराठा बनके तैयार होंगे। आज मैं लच्छा पराठा आपको 2 तरह से बनाना बताती हूँ। सेकना तो सबको आता ही है, आप भी सेक लोगे, बस उसको थोड़ा सा बेलने का डिफरेंस होता है। ये देखिए थोड़े बड़े साइज़ की लोई लेंगे, हल्का हल्का सूखा आटा लगाकर इसको चकले के ऊपर बहुत बड़ा साइज़ का जितना आपसे आराम से बेला जाए उतना बेल लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर ब्रश से ऑयल या मेल्ट किया हुआ देसी घी या मक्खन जो आपका मन हो वो लगाइए। मक्खन कोशिश करें ना ही लगाएं क्योंकि मक्खन जम जल्दी जाता है, और दूसरी बात मक्खन में नमक होगा, नमक हमने आटे में भी डाला है बस। और उसके ऊपर सूखा आटा छिड़केंगे और इस तरह से एक तरफ से लेयर उठाएंगे और इसे एक के ऊपर एक बड़े आराम आराम से रखते जाएंगे। बहुत ही आराम से इस तरह से लच्छा पराठा बनके तैयार हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए अगर इतना अच्छा खाना हम घर में ही बना लें तो रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, खूब सारे पैसे बच जाएं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, रेस्टोरेंट जाने के पैसे लीजिए और उसके बाद आप उसे अपनी मर्जी से कुछ भी इंजॉय कीजिए। सूट साड़ी कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि आजकल रेस्टोरेंट में जितने में एक फैमिली खाना खाती है ना उतने में तो एक अच्छा सा सूट आ जाता है, और थोड़ी सी मेहनत है मुझे पता है, और मैं भी तो मेहनत इसीलिए करती हूँ ना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घर के पैसे बचाए जाए और घर वालों को हेल्दी खाने को भी मिले और टेस्टी भी खाने को मिले। हाँ मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसमें रेस्टोरेंट वाले में थोड़ी सी कमी रह गई या कुछ कम है, ऐसा नहीं लगेगा। आप बड़े आराम से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी हैं, अब इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला लुक देते हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा काटा हुआ हरा धनिया लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे बिल्कुल चुटकी भर। अब जो हमने लोई बनाई है उसको इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। यहाँ पर लच्छा पराठा को बेलते समय इस बात का ध्यान रखें कि बहुत हल्के हाथ से प्रेस करना है, वरना इसकी लेयर्स जो है ना वो थोड़ा सा दब जाएंगी और वो पराठा बनाते समय आपको फिर नज़र नहीं आएंगी। बस अब हल्का हल्का आटा सूखा लगाएंगे और इसको जितना मर्जी आपको पतला और बड़ा सेकना है, वैसे लच्छा पराठा थोड़ा मोटा बनाया जाता है लेकिन अगर आप पतला बनाना चाहते हैं तो पतला भी बना सकते हैं, बस लेयर्स थोड़ी सी कम नज़र आएंगी। अगर आप पराठे को मोटा वाले बेलते हैं तो उसके अंदर लेयर्स अच्छे से खुलती भी हैं और बहुत अच्छी नज़र भी आती है। तो ये देखिए मैंने तो अपना पराठा बना के तैयार कर लिया। अभी मैं आपको एक और लच्छा पराठा बनाने का तरीका बताऊंगी। इसमें इतनी लेयर्स नहीं आती हैं क्योंकि इतनी लेयर्स बनी नहीं है, लेकिन जो दूसरा तरीका है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा लेयर्स बनी हैं। मैंने पहले भी एक रेसिपी लच्छा पराठे की मैदा वाला आपके साथ ट्राई किया था, आप सबको वो बहुत पसंद आया है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसमें भी पनीर की मैंने बहुत बढ़िया रेसिपी शेयर की है, आप सब ने उस वीडियो को बहुत प्यार किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दीजिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दीजिएगा। अब उतनी बड़ी रोटी दूसरी लोई की बेली और जो पिज्जा कटर होता है उससे इस तरह से आगे पीछे करके बहुत अच्छा इसमें भी पतली पतली जो है स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। फिर अच्छे से इसके ऊपर मक्खन ऑयल जो आपका मन हो या देसी घी मेल्ट किया हुआ वो लगाएंगे उसके, और अच्छे से लगाना है, कंजूसी नहीं करनी। और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा डाल देंगे ताकि ये लेयर्स आपस में चिपक ना जाएं, और हल्के हाथ से इसको इस तरह से इकट्ठा करते जाएंगे।
सारा इकट्ठा करने के बाद इसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से खींचेंगे ताकि इसमें लेयर्स और ज़्यादा बन जाएं। इस तरह खींचने से ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको अब हम हथेली पर अपने पगड़ी की तरह, जैसे धीरे धीरे हम पगड़ी लपेटते हैं ना, उस तरह से इसको लपेट लेंगे और बहुत ही अच्छी जो लेयर्स हैं अभी आपको अभी नज़र आएंगी, तो ऑब्वियस है कि जब लेयर्स हमें नज़र आ रही हैं तो बाद में बनेंगी भी बहुत अच्छी। अब इसको सेकने का भी एक स्टाइल होता है। लच्छा पराठा बनाने के लिए आपको थोड़ा सा हल्के हाथ का इस्तेमाल करना है, जैसे पूड़ी के लिए थोड़ा सख्त हाथ और पराठे के लिए थोड़ा हल्का नरम हाथ। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कलौंजी और उसके ऊपर इसे प्रेस कर देंगे। इस तरह के पराठे को हमें बेलन से नहीं बेलना है, इसे आप हल्के हाथ से इसी तरह से दबाते जाइए और प्रेस करते जाइए, बिल्कुल हल्का हल्का हाथ। और पराठे को जितना बड़ा छोटा आप बेलना चाहते हैं ना, ये आराम से बेल जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हल्का सा ऑयल या घी का हाथ लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें लेयर्स आपको साफ नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप इसको बेलन से बेल देंगे ना तो इसकी लेयर्स सारी आपस में चिपक जाएंगी और वो खुलेंगी नहीं। बस इस पराठे का तो मैंने यही साइज़ रखा है। और अब चलिए सेकने की तरफ चलते हैं। तवे को गर्म करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम हाई रख देंगे, उसके बाद पराठा डाल देंगे। एक तरफ से सिक जाएगा तो पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी सिक चुका है। अब इसके ऊपर लगाएंगे घी। मैंने तो पराठे देसी घी में सेके हैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में सेकिए, पर कभी कभी तो हम कैलोरी को साइड में रख सकते हैं और अच्छा खाना खा सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम और लो रखें और अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लें, क्योंकि जब पराठा क्रिस्पी होगा तभी इसके अंदर से अच्छी अच्छी लेयर्स निकलेंगी। ये देखिए मेरे तो अभी भी देख के मुंह में पानी आ रहा है, जबकि मैं ये बनाकर खा भी चुकी हूँ। आप सबको भी रेसिपी पसंद आए तो अपने घर में ट्राई करें और प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। आप सबके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पढ़कर मैक्सिमम कमेंट्स के जवाब भी देती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ। इसी तरह से बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। ये देखिए जो हमने परतों वाला बनाया था, ये मैंने थोड़ा बड़ा बेल दिया था तो इसमें लेयर्स कम नज़र आ रही हैं, लेकिन दूसरे वाले पराठे में बहुत बढ़िया लेयर्स बनी हैं और बहुत सारी लेयर्स बनी हैं। बस पराठे को आप कुरकुरा सेकिए उसके बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इतनी देर देखिए हमारे प्याज भी जो है वो और भी ज़्यादा प्यारे और गुलाबी हो गए हैं और हल्का सा इनमें खट्टापन आ गया है। अब इस प्याज को आप 2-3 दिन तक आराम से रख कर स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खाली सिरका डाल देते ना तो आप 2 घंटे बाद ही खाने लायक ना रहते, इतने खट्टे हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, सर्व करने की तरफ चलते हैं। मैं सबको खाना गरम गरम खिला चुकी हूँ, क्योंकि इसका मज़ा जब ही आता है जब हम गरम गरम खाएं। ये मैं अपनी थाली लगा रही हूँ, थोड़ी जल्दबाजी है, बस फटाफट से काम निपटाएं, खाना खाएं, क्योंकि अब आप अपने आप ही सोचिए बनाते बनाते इतना सारा खाना बनाओ तो भूख तो लग ही आती है और ऊपर से खाना इतना टेस्टी भी हो, सच्ची में बहुत टेस्टी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खस्ता हमारा लच्छा पराठा बनके तैयार हुआ है। अब आप खुद ही इसकी लेयर्स देखिए, ये देखिए। इसी तरह से मैंने बाकी के पराठे भी बनाए थे। कभी कभी अच्छा खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे दिल भी खुश हो जाता है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं। अच्छा से मतलब खाना तो सबके घर में अच्छा बनता है, लेकिन बाजार जैसा अच्छा खाना, ताकि बाजार जाने की जरूरत भी ना पड़े और घर में ही हम बहुत अच्छा खाना भी खा लें। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। आप तब तक मेरी बाकी की रेसिपीज को एक्सप्लोर करते रहिए, आपको डेली डिनर और लंच के लिए नए नए आइडियाज मिलते रहेंगे। बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।